नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह चौहान। नोएडा के जलपुरा में बीते 7 फरवरी की रात भीषण तूफान ने ऐसी करवट ली जिसमें सैकड़ों घर तबाह हो गए। तूफान इतनी तेज गति का था कि लोगों को बड़ी मुश्किल से घरों से बाहर निकलने का मौका मिला और जो लोग घर में फंसे रहे वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। किसी के मकान की छत उड़ी तो किसी की दीवारें उड़ गई और देश के कई राज्यों से आए लोगों को कुदरती खेल ने बेघर कर दिया। जलपुरा के इस बस्ती में कई हजार लोग अपना अपना आसियाना बनाकर रहते हैं। मेहनत मजदूरी करके अपने सपनों का महल बनाने वाले अब बिल्कुल बेघर हो गए हैं और उन्हें इधर उधर भटकने की नौबत आ गई है। जलपुरा के स्थानीय निवासी मनोज प्रधान ने सूचना पाकर इस पूरे घटना का मौके पर जायजा लिया और उन्होंने लोगों के खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था करवाई। मनोज प्रधान ने कहा कि जिन लोगों के घर टूटे हैं उन लोगों के लिए मैं हर संभव मदद करूंगा और सरकार से भी अपील करूंगा कि इन पीड़ितों की मदद की जाए। हाँ, बहुत लोगों को चोटें भी आई हैं और काफ़ी लोगों की मकान की छतें गायब हो गई हैं। हाँ। और लेंटर के मकान भी, कुछ गाट पत्थर के मकान और टीन सेट के मकानों में ज़्यादा नुकसान आया है। कितने लोग, लगभग कितने मकान गिरे? 100 से 125 के लोगों के बीच में इसमें लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। पिलर जो का तो है, मकान ज़्यादा गिरा है। एक्चुअल हुआ कि जब ये तूफान आया ना तो ऐसे लग रहा था कि एरोप्लेन, कितना एरोप्लेन एक साथ लैंड कर रहा है, जैसे मतलब समझ लो कि बहुत तेजी के साथ तूफान था। वायुसेना के तूफान जैसे होते ना पहले, उस तरह की आवाज़ करी, लोगों को लगा कि आप मतलब कितना बड़ा ये बवंडर है। हाँ। ये लिए हम लोग आज तक नहीं देखा ऐसा बवंडर। किसी को ज्यादा चोटें तो नहीं? काफी लोगों को चोटें हैं, सिर में भी चोटें, कुछ लोग सीरियस भी हैं। चोट लगी है। अच्छा, तो कोई प्रशासन की तरफ से या उस टाइम कुछ व्यवस्था मिली? नहीं, शासन और प्रशासन आ गए थे, दोनों चीज आ गई थी। उन्होंने मौके पे मायाना भी किया था और रात में उनको एम्बुलेंस भी दी गई थी, एम्बुलेंस भी उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। नीचे दब गया, मतलब नीचे दब गया। कितने लोग उस छत के नीचे थे उस टाइम? दो बच्चे दबे थे और साथ में ये भाई थे, तीन लोग थे, एक ये लड़की थी। हाँ, वाइफ भी थी। यस, और इनको छुट्टी किसी दिन बॉल भी नहीं निकल रहा और बॉल भी नहीं निकल रहा इनका। कब लेके गए थे अस्पताल? रात में। अच्छा, अभी क्या हुआ, क्या बताया अस्पताल में? अस्पताल वालों ने दो दो गोली दिया और डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा, ठीक है, ले जाओ। ठीक है ये अभी ना? ठीक नहीं, बोली नहीं पा रहा, ठीक ना बोला रहा है, मुझे आवाज तो निकल नहीं रही है, ठीक हो रहा है। और कोई साया सा पेड़ नहीं है, पेड़ तो आसमान में ऐसे चल रहा, जैसे माने का कुछ पेंचो को उठा कर ले जा रहा है। पेड़ उखड़ के गिरे, पेड़ के कट कट के पेंचो अपना बिना कांटे पेंचो और आसमान में जा रहे हैं। और अजीब ऐसी धड़कत हो रही है जैसे माने कोई भूकंप क्या पृथ्वी हिल रही है। ये सारे हॉस्पिटल में है सर, सब हॉस्पिटल चले गए, इनके सबके चोट लग चुकी है, ज्यादा गंभीर हालत में, सारे के सारे पूरी फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट है। कितने लोग थे इनके? तीन लोग हॉस्पिटल में है, पांच लोग थे, तीन लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, एक उनका हस्बैंड ड्यूटी पे थे, इसके वजह से उनको चोट नहीं लगा। पूरी की पूरी मकान गिर गई है और किसी का पैर टूट गया है, किसी का सर में टाके पड़े हैं। तूफान जो कैसा? हाँ, तूफान तो अजीब डिजाइन का था, घूम रहे पे लगा जी कहाँ के कहाँ फेंक देगा, बुझा रहा था समझ में। हमारे ऊपर तो मार सारा दीवार वाल गिर के, जो चोट लगी है क्या गिरा था? ईटा, ईटा दीवार का। हमारा नाम राजेंद्र है। हाँ। दो लड़कियां हमारी ज्यादा गंभीर है, एक 12 साल की है और एक 8 साल की है। और हमारे तो सर मतलब लगी तो चोटें हैं, ईंटें गिरी थी ऊपर से और बच्चे अच्छे दब गए थे अंदर, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। छोटी सी दुकान थी, इसकी सारा सामान वामान उड़ गया। ये बड़ी मुश्किल से अभी किस्त पे पैसे लेके बनाया था, किस्तें भर रहे थे इसकी, कर्जे वैसे डूबे पड़े थे, ऊपर से ये हो गया। देखो ऊपर वाला क्या करता है। कुछ प्रशासन के तरफ से कोई देखने आया? नहीं सर, इधर कोई देखने नहीं आया सर, कोई नहीं देखने आया। कल शाम से इंतजार कर रहे, पूरी रात यहीं बैठे रहे, तो इसमें इसका भी गेट टूट गया अपने आप हवा से, यहीं पे बैठे रहे बच्चे अच्छे। तो रात में मैंने उधर बैठा दिए थे जाके, कुछ नहीं बचा सब, हमने सारा मलबा भर भर के सर ये देखो डाल रखा है, इसमें सब सामान दबा। खतरनाक ऐसा लग रहा है जैसे पहली जिंदगी में पहली बार देखा हमने। और ये लग रहा है कि उसमें बिजली अचानक चमक रही अंदर और लोह और लंगर सब उसमें टकरा रहे आपस में। कितने लोगों को चोटें? आपको चोटें आई? हाँ। एक कहाँ पर? क्या नाम है आपका? अच्छा, उस जिस तूफान किस तरीके का था और आप उस वक्त कहाँ पे थे, लेटे थे? नहीं नहीं, हम खड़े थे, अचानक ऐसा है कि संभलने का मौका नहीं मिला। जेके के न्यूज की और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जेके के न्यूज।